हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। दिस इज अनुज शर्मा। सो वी आर अगेन हियर टू डिस्कस सम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर ऑल JKSSB SSC एग्जामिनेशंस, या लाइक योर फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम, जम्मू कश्मीर पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम, फॉरेस्टर एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज करंट अफेयर। योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेंग खिलांग फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो सेंग खिलांग फेस्टिवल जो है अभी रिसेंटली कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करवाया गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज मेघालय, सेकंड ऑप्शन इज सिक्किम, थर्ड ऑप्शन इज मिजोरम एंड लास्ट ऑप्शन इज नागालैंड। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेघालय। ठीक है, तो ये कौन सा फेस्टिवल, अभी इसका कौन सा एडिशन था, दैट वॉज इट्स 34th एडिशन। ठीक है, तो ये क्या हाईलाइट करता है, हाईलाइट इज द एक्सचेंज ऑफ मोनोलिथ सिम्बोलाइजिंग यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मोनोलिथ को जो है एक्सचेंज किया जाता है, जिससे क्या दिखाया जाता है कि यहाँ के लोग क्या हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट मेल चेस प्लेयर टू विन द फाइड कैंडिडेट टूर्नामेंट। ठीक है, तो कौन हमारे यंगेस्ट मेल चेस प्लेयर बने हैं जिन्होंने फाइड टूर्नामेंट को क्या किया है, जीता है। ठीक है, तो फाइट क्या है आपका, फाइट इज द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, इसकी एब्रीवेशन ये है। ठीक है, तो किसने जीता है, फर्स्ट ऑप्शन इज योर डिंग लेरन, सेकंड ऑप्शन इज जी गुकेश, थर्ड ऑप्शन इज अर्जुन एरिगेसी एंड लास्ट ऑप्शन इज निहाल सरीन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश जो 17 ईयर्स ओल्ड के हैं, ही इज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, ये जो है इन्होंने 2024 का कैंडिडेट टूर्नामेंट जो है वो जीता है, विन किया है। और ये मेल कैंडिडेट थे एंड फीमेल कैंडिडेट शी इज फ्रॉम चाइना, उनका नाम है तैन जोंगी। ठीक है, और सेकंड इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने जो है विश्वानंद के बाद जो है वाज द यंगेस्ट प्लेयर टू विन दिस टूर्नामेंट। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच आर्म फोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज पूर्वी लहर ऑन ईस्ट कोस्ट अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, तो अभी रिसेंटली कौन सी आर्म फोर्स ने जो है एक्सरसाइज पूर्वी लहर जो है उसको कंडक्ट करवाया है, कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर इंडियन नेवी, सेकंड ऑप्शन इज इंडियन एयर फोर्स, थर्ड ऑप्शन इज इंडियन आर्मी एंड लास्ट ऑप्शन इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो किसने कंडक्ट करवाई है ये एक्सरसाइज, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडियन नेवी। ठीक है, तो कब करवाया था ये कंडक्ट, इट वॉज कंडक्टेड ऑन 20th of April 2024। ठीक है, दो फेजेस में कंडक्ट करवाया गया है इसको। ठीक है, इट इंक्लूडेड कम्बैट ट्रेनिंग इन रियल सिनेरियोस एंड सक्सेसफुल फायरिंग टू फॉर्म वारहेड डिलीवरी कैपेबिलिटी। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रिसूर पूरम ए ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद स्टेट। ठीक है, थ्रिसूर पूरम जो है एक जो है टेम्पल है, ग्रैंड टेम्पल है। ठीक है, ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल है। ठीक है, कहाँ पे है ये, ठीक है, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है ये। ठीक है, थ्रिसूर पूरम जो है एक ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल है। ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है, किस स्टेट से एसोसिएटेड है, फर्स्ट ऑप्शन इज कर्नाटका, सेकेंड ऑप्शन इज महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन इज केरला एंड लास्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केरला। ठीक है, तो थ्रिसूर पूरम जो है ये केरला में सेलिब्रेट करवाया जाता है। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, केरला की रिच कल्चर एंड डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये क्या करता है, इट यूनाइट्स ऑल द पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड विद म्यूजिक प्रोसेशंस फेयर्स एंड फाइनल्स। ठीक है, सेवन डेज का जो है ये फेस्टिवल होता है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द भगवान महावीर निर्वाणा महोत्सव एट विच प्लेस। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है क्या किया है, भगवान महावीर निर्वाणा महोत्सव जो है इनॉग्रेट किया है, कौन सी जगह पे इनॉग्रेट किया है। फर्स्ट ऑप्शन इज योर न्यू दिल्ली, सेकंड ऑप्शन इज चेन्नई, थर्ड ऑप्शन इज हैदराबाद एंड लास्ट ऑप्शन इज मुंबई। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इन्होंने जो है न्यू दिल्ली में जो है 2550 भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव जो है वो न्यू दिल्ली में कंडक्ट करवाया है। किसके उपलक्ष्य में, या फिर हम बोलेंगे किस की जयंती पे, इट वाज द महावीर जयंती, उस पर जो है उन्होंने
किया है, और इनको मतलब लाइक कि एक टाइप ऑफ ट्रिब्यूट जो है वो महावीर जयंती को करने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए जो है इन्होंने ये इनाग्रेट किया है, ठीक है। और ही पेड होमेज टू भगवान महावीर विटनेस ए डांस ड्रामा बाय स्कूल चिल्ड्रेन एंड रिलीज ए कमेमोरेटिव स्टैम्प एंड कॉइन, ठीक है। और एक स्टैम्प और कॉइन भी जो है उनके नाम की रिलीज की गई है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कौन सी स्टेट में आपका लोकेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन इज अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन इज असम, थर्ड ऑप्शन इज महाराष्ट्र एंड लास्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु, ठीक है। तो सो दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्यों न्यूज़ में है टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे जो है एक बटरफ्लाई की एक रेयर स्पीशीज़ जो है वो बटरफ्लाई की वो देखी गई थी, वो डिस्कवर की गई थी, जिसका नाम है नेप्टिस फिलेरिया, ठीक है। और यहाँ पे देखी गई, ठीक है, इसलिए जो है ये न्यूज़ में रहा, ठीक है। तो कौन सी कहाँ पे है जो है हमारा टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट, ठीक है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली जो है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट जो है रिलीज़ की है? फर्स्ट ऑप्शन इज नाटो, सेकंड ऑप्शन इज यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस, थर्ड ऑप्शन इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लास्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको जो है रिलीज़ किया है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसने जो है ये क्या किया है, इस रिपोर्ट को जो है ये एस्टैब्लिश रिपोर्ट को जो है रिलीज किया, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन ट्रेवलिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीशीज, ठीक है। तो गोल्डन ट्रेवली जो है ये किस स्पीशीज से बिलोंग करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉग, सेकेंड ऑप्शन इज स्पाइडर, थर्ड ऑप्शन इज बटरफ्लाई एंड लास्ट ऑप्शन इज फिश, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फिश। तो ये किसने जो है अभी इस चीज़ को बताया है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताया है, दैट इज़ सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया है, किसको? गोल्डन ट्रेवली, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वाज द ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड, ठीक है। तो कहाँ पे ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज योर बार्सिलोना स्पेन, सेकेंड ऑप्शन इज पेरिस फ्रांस, थर्ड ऑप्शन इज न्यू दिल्ली इंडिया एंड लास्ट ऑप्शन इज मॉस्को रशिया। तो ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस जो है वो 2024 की कहाँ पे हुई? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बार्सिलोना स्पेन में हुई, ठीक है। सो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज गिपांग गैथ ग्लेशियल लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। गिपांग गैथ जो है ग्लेशियल एक ग्लेशियल लेक है, कौन सी स्टेट में जो है ये लोकेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन इज उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन इज सिक्किम एंड लास्ट ऑप्शन इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो गिपांग ग्लेशियल लेक जो है वो कहाँ पे है आपकी? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।